नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी असंध विधानसभा में अध्यक्ष हारा। हरियाणा हरियाणा जन आशीर्वाद रैली नरेंद्र नरवाल जी, नरेश पोपड़ा जी, पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार हरपाल सिंह चीका जी, हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार भूपेंद्र सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सरदार गुलाब सिंह जी, जिला के महामंत्री सुनील गोयल जी, सोन सिंह राणा जी, श्रीमती सुनीता राणा जी, सज्जन अत्री जी, ब्रिजलाल ठक्कर जी और हमारे बलजीत तोरण जी, राजेंद्र आर्य जी, हमारे मोर्चों के माननीय अध्यक्षगण, सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि असंध की सरदारी के बीच में आज आप सबका इस जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से मैं अपनी पार्टी के लिए और स्वयं अपने लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये असंध की सरदारी का पूर्ण विश्वास है 4 अक्टूबर को भरपूर आशीर्वाद ये असंध की सरदारी का भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। भाइयों, आप इतनी संख्या में आए हैं, मैं देख रहा हूं जहां भी मेरी नजर जा रही है सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। मैं भाइयों, आप सब युवा साथियों का जो जोश देख रहा हूं, आप सबका जो उत्साह देख रहा हूं, भाइयों आप सबका जोश और उत्साह इस बात के ऊपर मोहर लगा रहा है और मेरा भी विश्वास बढ़ा रहा है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। भाइयों, आप सबको इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे युवा साथी भी यहां पधारे हैं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको सत श्री अकाल करता हूं। भाइयों, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, प्रदेश के लोग मुझे एक बात सुनने को मिलती है और लोग बोलते हैं कहां भाई समय कम मिला। आज असंध की सरदारी के बीच में आया हूं भाइयों, ये जो कम समय मिला है ये पूरी फिल्म नहीं थी, ये तो उसका ट्रेलर था। फिल्म तो भाइयों 4 अक्टूबर के बाद शुरू होगी। मैं कांग्रेस के लोगों को, भूपेंद्र हुड्डा को यह कहना चाहता हूं जो ये बोल रहा है, वो बोलता है कहा ये तो घोषणा करने पे लगा हुआ है। हुड्डा साहब जितनी भी बातें कही हैं वो पत्थर पे लकीर हैं और वो बातें वो कैबिनेट की बैठक बुला करके उनको अमल में उतारने का काम
ये हमारी सरकार ने किया है। आप कह रहे हैं घोषणाएं हैं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं रूप में काम किया है। ये मेरा मात्र 25-30 दिन का कार्यकाल, ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो आपको दिखानी बाकी है अगले 5 साल में। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग झूठ फैलाने में माहिर है, अफवाह फैलाने में माहिर है। और भाइयों, ये जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ये मुद्दा बता सकते हैं, तो ये भाइयों हिसाब मांगो यात्रा लेकर के ये कांग्रेस के लोग निकले हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को, भूपेंद्र हुड्डा साहब को आज ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आपका हिसाब 10 वर्षों का मेरी टिप्स के ऊपर है। अरे कुछ कामों के बारे में भी बता देगा, खाली हिसाब मांगदा ना फिर तन्ने क्या करे उसके बारे में भी बता दे। अरे झूठ बोलता है, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करता है। भाइयों, पिछले दिनों मैंने इससे 10 क्वेश्चन पूछे, आज तक जवाब नहीं दिया, खाली यात्रा लेकर के घूम रहा है। भाइयों, मैंने दोनों बापू बेटा से कहा कि भाई कोई तो मेरे क्वेश्चन का उत्तर दे दे। नहीं मगा तेरे पास आंदा तो राहुल गांधी से पूछ कर दे दे, वो ही बता देगा। परंतु भाइयों चुप बैठे हैं, खाली हिसाब मांग रहे हैं। हुड्डा साहब, मैं मात्र आपको बताना चाहता हूं, 12 मार्च को हरियाणा प्रदेश के प्रमुख सेवक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेवारी दी और 16 मार्च को मैंने विधानसभा में विश्वास हासिल किया और उसके तुरंत बाद हरियाणा में पूरे देश में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। भाइयों, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। मैं आपको 10 वर्ष का नहीं, मैं आपको मात्र अपने इस छोटे से कार्यकाल का हिसाब मैं असंध की जनता को बताना चाहता हूं। आप निर्णय करेंगे कि सरकार किस प्रकार से मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका 10 वर्ष का कार्यकाल रहा और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेरे इन सवालों का जवाब दे, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मुंह के अंदर दही जम गई हो, खुलने के लिए तैयार ही नहीं है। भाइयों, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, मैंने कोई और क्वेश्चन नहीं पूछे थे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं मैंने हुड्डा साहब कांग्रेस से क्या क्वेश्चन पूछे थे। मैंने तो यह भी कहा है कि वही रणदीप सुरजेवाला तय आ करके बटन खोल का खड़े हो जा, तय ही बता दे, तन्ने तो मड़ाई खाई है हुड्डा के साथ उस सरकार के अंदर, तेरे को भी मालूम होगा कि वही हमारी सरकार क्या क्या काम कर रही थी। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नौकरियां पर्ची खर्ची के ऊपर दी जाती थी, मैंने पूछा है कि युवाओं का क्या कसूर था, उसके ऊपर भी थोड़ा बताने का काम करें। मैंने यह भी पूछा, अरे हमारे हरियाणा प्रदेश के भोले भाले किसानों की जमीन 4-6 दफा लगा करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को
खुश करने के लिए उसके सुपुर्द कर दिया जाता था, इसके ऊपर भी कुछ बोलने का काम कर। मैं ये भी पूछा था कि आपकी 10 वर्ष सरकार रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, कितने किसानों की फसल MSP के ऊपर आपने खरीदी है, उसका भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था हमारे किसान की फसल का खराबा हुआ है, आपने 2-2, 3-3 रुपए के चेक थमाए हैं, वो क्यों थमाए थे, उनके बारे में भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, उसके बारे में भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था आपकी ही सरकार में दलितों के घरों में आग लगा दी गई थी और उन्होंने पलायन करना पड़ गया था, उसके बारे में भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में बुजुर्गों को 500 रुपया पेंशन क्यों दी जाती थी, उसको बढ़ाने का आपने काम क्यों नहीं किया, इसके बारे में भी बताने का काम करो। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किस प्रकार से कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए घर घर की ठोकरें खानी पड़ती थी, उसके बारे में भी, कितना भ्रष्टाचार होता था, वो भी बताने का काम आप लोग करेंगे तो अच्छा होगा। आप जो हिसाब मांग रहे हैं तो हरियाणा के लोगों को उसके बारे में मालूम होगा। मैं ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, कितने गरीब परिवारों के BPL कार्ड बने, उसको भी सार्वजनिक करने का मखा काम करिए, वो भी बताने का काम करिए। मैंने ये भी पूछा था, मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में कितने गरीबों का मुफ्त इलाज होता था, ये भी बताने का काम करें। भाइयों, इनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है, खाली हिसाब मांग रहे हैं। मैं आज असंत की सरदारी के बीच में आया हूं, मैं फिर उनको कह रहा हूं कि आप हमारे हिसाब मांग रहे हैं, आप अपने हिसाब के बारे में भी बता दे, वो रजिस्टर कहाँ है, कहीं आपने उसके पन्ने तो नहीं पाड़ रखे, कहीं आपने उसको तालाब में तो नहीं फेंक दिया, जिससे लोगों को ना पता चले आपके कारनामे क्या थे, आप उनके बारे में बताने का काम करें। भाइयों, मैं आप लोगों का आज यहां पर आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब से ये जिम्मेवारी ये आपके बेटे भाई को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है, अगर कोई भाई को इमरजेंसी पड़गी, रात के 2 बजे भी उठ करके उसका समाधान करने का काम आपके बेटे भाई ने किया है। भाइयों, ये लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं, मेरे पास तो इनका एक एक मिनट का हिसाब है, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस छोटे से कार्यकाल में, जब से ये 6 जून से चुनाव आचार संहिता खत्म हुई है, मैं आज इस मन से असंध की सरदारी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं। भाइयों, ये 10 साल के तो नहीं सुन पाएगा, मैं तो इनको मात्र ये 20-25 दिन का हिसाब दे रहा हूं। 7 जून को, 6 जून को आचार संहिता हटी, 7 जून को हमने एक कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवारों को, 84 लाख लोगों को भाइयों हैप्पी कार्ड देने का काम किया, और ये निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति को अगर बाजार में हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, या बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, या रिश्तेदारी में कहीं किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना है, हरियाणा रोडवेज की बस, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक
वो फ्री में यात्रा कर सकेगा। ये हैप्पी कार्ड योजना का शुभारंभ ये हमने 7 जून को करके उनको 84 लाख लोगों को लाभ दिया है। भाइयों, 8 जून को मैंने निर्णय किया कि हमारी सरकार ने और 50,000 भर्तियों की भाइयों योजना को शुरू कर दिया। और जब मैंने कहा कि 50,000 भर्तियां और होंगी, एक एक तरीक का मेरे पास हिसाब है, हर रोज कितने रिजल्ट निकले वो भी मैं बताना चाहता हूं। जब तक ये आचार संहिता नहीं लगी भाइयों, कांग्रेस का पेट खराब हो गया। और जब आचार संहिता लगी, कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है, और वो भर्ती रोको गैंग तुरंत जाकर के चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया के पास पेश हो गया। इनका एक सांसद गया और कहने लगा कि हरियाणा के अंदर ये भर्ती कर रहे हैं, और उसने भाइयों उस भर्ती के ऊपर रोक लगा दी है। ये युवाओं की कांग्रेस पार्टी सबसे विरोधी पार्टी है भाइयों। आने वाले 1 तारीख को ये कांग्रेस को मेरे हरियाणा प्रदेश का सबक सिखाने का काम करेगा। भाइयों, हमने जो निर्णय किया था 7,500 टीजीटी के टीचर, और भाइयों चाहे टीजीटी पंजाबी के टीचर, हमने हर रोज अलग अलग दिनों में युवाओं को नौकरी के ऊपर बिना पर्ची बिना खर्ची के लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है भाइयों। और हमने 9 तारीख को भाइयों 9 तारीख को हमारी सरकार ने निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश की जितनी भी एससी और बीसी समाज की चौपाले थी उनके नवीनीकरण के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए हमारी सरकार ने 118 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम एक बटन से किया है, ताकि वो अपनी धर्मशालाओं का नवीनीकरण कर सकें। भाइयों, हमारी सरकार ने 10 जून को जो निर्णय किया है, 10 जून को यह निर्णय किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100-100 गज के प्लाट तो बोल दिया, परंतु ना कागज थे ना कब्जा था, लोग घूम रहे थे। मैंने अधिकारियों को कहा और डेट को तय कर दिया भी मैं 10 तारीख को मैं इन लोगों के बीच में जाऊंगा और जाकर के उनको कागज भी देने का काम करेंगे और कब्जा भी देने का काम करेंगे। मुझे ये खुशी है कि जो लोग घूम रहे थे ऐसे लोगों को